नमस्कार दोस्तों, दोस्तों मैं शिव कुमार। दोस्तों आज मैं आप लोग को बताऊंगा नई दिल्ली से लुधियाना जाने के लिए कितनी गाड़ियां हैं, कितनी ट्रेनें हैं, मैं आपको जानकारी दूंगा पूरा, प्लस कितना किराया लगता है ये भी आपको जानकारी इस वीडियो में दूंगा। देखिए मैं यहाँ पे नई दिल्ली और लुधियाना जंक्शन के लिए सर्च कर रहे हैं। देखिए बहुत सी सारी गाड़ियां हैं जो चलती हैं, यहाँ पे अमृतसर मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस है जो इस समय चल रहे हैं, स्वराज एक्सप्रेस, श्री माता वैष्णो देवी कटरा, वंदे भारत जिसे बोला जाता है, जो हमें ये सब दिख रहा है इस समय गाड़ियाँ रद्द हैं इसलिए नहीं शो कर रहे हैं। देखिए ये भी चल रही हैं इस समय, बाकी ये रद्द है, ये भी रद्द है, ये भी रद्द है, ये भी रद्द है, ये गाड़ियाँ सब रद्द हैं। बाकी नीचे आ जाते हैं, यहाँ देखिए ढेर सारी गाड़ियाँ हैं जो लुधियाना से नई दिल्ली से लुधियाना आने के लिए और जाने के लिए, दोनों लुधियाना से जाने के लिए भी और आने के लिए भी, देखिए ये गाड़ियाँ सब चल रही हैं। बाकी ये गाड़ियाँ चल रही है इस समय श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस, ईरोड जंक्शन से इस समय चल रही, देखिए यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है ईरोड जंक्शन से चलती है गाड़ी, हिमसागर एक्सप्रेस ये भी चल रही है, ये इस समय बंद है। देखिए झेलुम एक्सप्रेस, बहुत सी सारी गाड़ियाँ हैं जिससे आप यात्रा कर सकते हैं, मैं आपको टिकट बता दे रहा हूँ, बहुत सी गाड़ियाँ हैं। देखिए अगर आप बैठने वाली सीट पे यात्रा करते हैं आपको 130 रुपये पे करना है, देखिए यहाँ पे 130 रुपये दिखाई दे रहा है। हमें यहाँ दिखाई दे रहा है 130 130 130 130 130 130। अगर आप स्लीपर में आते हैं, ये बैठने वाली सीट है, अगर आप स्लीपर में आते हैं मैं आपको स्लीपर का किराया बता दे रहा हूँ कितना लगेगा। देखिए स्लीपर का आपको 235, हर गाड़ियाँ की अलग अलग होती हैं किराए, फास्ट के हिसाब से होता है। देखिए 245 245 245 तक इसमें आपको किराया लग जाएगा। और गाड़ियाँ हैं देखिए सैनी पंजाब में सिर्फ बैठने वाली सीट है इसलिए आपको यहाँ पे 2S ही दिखाई दे रहा है, जिसमें बैठने वाली सीट होगी उसमें स्लीपर नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे अगर आप एसी में यात्रा करना चाहते हैं तो एसी में आपके एसी में ही हम आपको बता दे रहे हैं कितना लगेगा। एसी में 635 रुपये लग जाएगा नई दिल्ली से लुधियाना आने के लिए और लुधियाना से नई दिल्ली जाने के लिए 635 आपको किराया लग जाएगा स्टेशन से। अगर आप ऑनलाइन बुक करते हैं, यहीं सेकंड एसी की बात करते हैं तो 860 900 ऐसे किराया इसमें लग रहा है। देखिए बहुत सी सारी इसमें सीटें हैं फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास में अगर आप आते हैं यात्रा करते हैं तो 900 860 यही आपको पे करना है। अगर आप ऑनलाइन कहीं से बुक करते हैं टिकट आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा 50 रुपये देना पड़ जाएगा। अगर आपको टिकट चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही।